हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th एक्सरसाइज 10.3 हम कराने जा रहे हैं। 10.2 आपको सैटरडे को करा दी थी, इसको सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। आप कंपास और पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर लेना, हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। मान चलो ये आपका एक सर्कल है, हमने इसी पॉइंट से एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया। ओके, तो ये कॉमन पॉइंट कौन सा होगा इसमें, वन, ये वाला सेंटर। सेंटर इज कॉमन, इसमें सेंटर क्या है, कॉमन है। तो कॉमन पॉइंट कितने हो गए, कॉमन पॉइंट वन। ओके, अब हमने एक सर्कल ड्रॉ ऐसे करा और एक सर्कल हमने इस टाइप से ड्रॉ करा, ऐसे ये ड्रॉ करा और ये पॉइंट हमारे ये हैं, सेंटर हमारे ये हैं। तो कॉमन पॉइंट कौन सा होगा, कॉमन पॉइंट ये वाला हो गया। ओके, कॉमन पॉइंट इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा था, ये वाला कॉमन पॉइंट है, सेंटर कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट मतलब दोनों ट्रायंगल के लिए, दोनों सर्कल के लिए जो कॉमन हो रहा है वो कॉमन पॉइंट हो गया। इसमें कॉमन पॉइंट ये है, तो इसमें कॉमन पॉइंट कितने हो गए, कॉमन पॉइंट हो गए इसमें वन। इसी टाइप से हमने एक सर्कल ड्रॉ इस टाइप से करा और एक सर्कल हमने इस टाइप से ड्रॉ करा। ओके, तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा होगा, एक ये कॉमन पॉइंट होगा, एक ये कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट। इसी टाइप से ये भी आपका क्या है, ये भी कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट। तो इसमें कॉमन पॉइंट कितने हो गए, कॉमन पॉइंट हो जाएंगे टू कॉमन पॉइंट है इसमें। तो जो क्वेश्चन पूछा इसने कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन पॉइंट कितने हो गए, मैक्सिमम कॉमन पॉइंट हो गए टू, मैक्सिमम कॉमन पॉइंट टू। कॉमन पॉइंट्स टू। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर वन का। इसी टाइप से नेक्स्ट है, सपोज यू सेंटर आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। अगर आपको एक सर्कल दे रखा है, इस टाइप से एक सर्कल दे रखा है और इसमें सेंटर नहीं है, आपने बेंगल की हेल्प से या किसी अदर थिंग्स की हेल्प से आपने इस टाइप से सर्कल ड्रॉ करा और इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना है कि इसकी सेंटर की, सेंटर कहाँ होगा, वो ऐसे ही अंदाजे से बता दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, दैट इज़ रॉन्ग। अब क्या करेंगे इसके लिए, हम एक कोड ड्रॉ करेंगे। ओके, वहाँ से एक और कोड ड्रॉ करेंगे, दो कोड ड्रॉ कर लिए। अब क्या करेंगे, इस कोड का हाफ कर लेंगे। हाफ कैसे करते हैं पता है ना, कंपास से आपसे आर्क डिस्टेंस लेके ऐसे आर्क लगा दी, ऐसे आर्क लगा लिया, फिर इधर से भी आर्क लगाया, इधर 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 आर्क लगाया, इधर आर्क लगाया, यहाँ यहाँ से आर्क लगा लिए, फिर यहाँ से आर्क लगा लो, एक आर्क एक आर्क, यहाँ से डॉटेड लाइन ज्वाइन कर लो। डॉटेड लाइन ज्वाइन करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए, ये कट हो जाना चाहिए, यहाँ पर कट, यहाँ पर कट, यहाँ कट, यहाँ कट, ये सब जगह कट होना चाहिए। ओके, अब इसी टाइप से इसका हाफ कर लो, इस कोड का हाफ, इस कोड का हाफ करेंगे तो यहाँ से आर्क लगाया, एक आर्क ये हो गए, एक आर्क ये हो गए, ऐसे इधर से आर्क लगाए, एक आर्क ये, एक आर्क ये। जब इसको ज्वाइन करोगे तो जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका सेंटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटर, वो आपका सेंटर हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल। तो आप कंपास से एक बार ट्राई करना, ओके, इसको ड्रॉ करने की, नहीं आएगा तो फिर हम कंपास से ही ड्रॉ करके बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन है, इसे होमवर्क करना है, हम बता दे रहे हैं करना कैसे है। ओके, तो इसमें है आपका, इफ़ टू सर्कल आर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ द कॉमन कोण। अच्छा, दो आपको सर्कल ड्रॉ करने हैं इस टाइप से जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने इस टाइप से, एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब क्या करना है, ये जो पॉइंट है, ये जो
लाइन है, ओके ये सेंटर है आपका, ये थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया आपका आएगा तो एग्जैक्ट सीधा आएगा, ये तो हमने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया पेन से, ओके। तो आपको ये शो करना है कि ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाना है, ओके। तो आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो और इसको भी ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, फिर इसका नाम दे दो कुछ ओ, ओ डैश, इसका नाम दे दो ए बी और इसका नाम दे दो एम, ओके। तो आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल लेना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। किस किस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को ए ओ ओ डैश और ओ बी ओ डैश, इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो क्या आ जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ओके। तो ये एंगल इक्वल कर लिए, फिर कौन से ट्रायंगल को लेना है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लेना है, फिर इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेना, ओके। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेना, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हेल्प क्या करेगा, ये एंगल एक हो जाएगा, एक साइड ये और ये इक्वल हो जाएगी क्योंकि रेडियस इक्वल होती हैं, ये भी रेडियस, ओके। और क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये लाइन आपकी कॉमन, ये लाइन आपकी कॉमन। तो जब आपका ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसके बाद ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो इन दोनों एंगल, जब ये एंगल इक्वल हैं तो ये एक्स मान लो, ये एक्स मान लो, तो एक्स प्लस एक्स इक्वस्ट 180 क्योंकि एक लाइन बन रही है, देन 2x इक्वस टू 180 और x इक्वस टू कितना होगा 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री एंगल आपका आ जाएगा। तो आप इस टाइप से आप प्रूव कर सकते हो, ओके स्टूडेंट। एक बार फिर समझ लो, पहले इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ओके। ये साइड इस साइड के इक्वल है क्योंकि ये क्या है, ये आपकी रेडियस है, ये इसके इक्वल रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ऐसे ये साइड इस साइड के इक्वल रेडियस ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद में क्या करोगे, ये साइड आपकी कॉमन हो जाएगी तो SSS क्राइटेरिया से आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, और जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे बाई CPCT से, ओके। तो ये आपका, उसके बाद में फिर क्या करना, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ये एंगल आ जाएगा, एक साइड ये साइड इक्वल, एक आपका कॉमन, ओके। तो आपके ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि बाई CPCT से। तो x प्लस एक्स मान लेना, x प्लस एक्स इक्वस टू 180, देन x इक्वस टू 90 डिग्री एंगल आ जाएगा और आपका AM इक्वस टू MB, ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगे, ओके ओके। परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर दोनों प्रूव करने हैं, तो ये एंगल, ये साइड इस साइड की इक्वल कैसे हो जाएगी, वही CPCT क्योंकि हम ये ट्रायंगल दोनों क्या कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो स्टूडेंट ये आपका होमवर्क है, इसको आप कोशिश करना, ओके आ जाएगा, इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, हमने बता दिया कैसे करना आपको, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।